सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन में मुंबई इंडियंस ने शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले मैच में मिली हार का हिसाब चुकता कर लिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिरी ओवर्स में क्या हुआ। 19वां ओवर, शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद हार्दिक ने एक रन लिया। दूसरी गेंद चौका रोहित ने फुलटॉस को पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। अच्छा शॉट। तीसरी गेंद चौका, स्टंप पर मिली गेंद को रोहित ने फाइन लेग बाउंड्री की ओर भेज दिया। गजब का शॉट। चौथी गेंद चौका, लगातार तीसरा चौका। शॉर्ट गेंद जिसे रोहित ने पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से 4 रन के लिए भेज दिया। पांचवी गेंद कोई रन नहीं। छठी गेंद चौका, एक जोरदार शॉट। ऑफ से गेंद को खींचकर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री में भेजा। रोहित की 50 पूरी। 31 गेंद में 50 रन। 19वें ओवर से 17 रन आए। मुंबई का स्कोर 2 विकेट पर 165 रन। रोहित शर्मा 53 और हार्दिक पांड्या 11 रन बनाकर क्रीज पर। 20वां ओवर, इमरान ताहिर गेंदबाजी के लिए आए। 20वें ओवर की पहली गेंद हार्दिक ने एक रन लिया। दूसरी गेंद रोहित ने 2 रन बटोरे। तीसरी गेंद रोहित ने एक और रन लिया। चौथी गेंद हार्दिक ने एक और रन लिया। मुंबई ने 8 विकेट से जीता मैच। मुंबई ने 8 विकेट से चेन्नई को हराया। रोहित शर्मा 56 और हार्दिक पांड्या 13 रन बनाकर नाबाद लौटे। मुंबई की 7 मैचों में ये दूसरी जीत है और चेन्नई की ये दूसरी हार। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।